प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। साहबुद्दीन की बेटी हिरा साहब की शादी के लिए पूरा सिवान सजकर तैयार हो गया है। खासकर प्रतापपुर को, जो साहबुद्दीन का पैतृक आवास है, वहां पर पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। थोड़ी देर में बाराती मोतिहारी से चलकर सिवान में प्रतापपुर में साहबुद्दीन के घर पर पहुंच जाएगी। उनके खाने के लिए 100 तरह के व्यंजन बनाए गए हैं। इन व्यंजनों में लखनऊ के मशहूर डिशेज को भी शामिल किया गया है। लिट्टी चोखा और चिकन की भी इसमें व्यवस्था है। करीब 1,00,000 लोगों को इस शादी में आने की उम्मीद की जा रही है। 30,000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। साहबुद्दीन स्वयं इस शादी में शरीक होना चाहते थे। पिछले साल कोर्ट के आदेश पर जब उनका परिवार उनसे दिल्ली में तिहाड़ जेल के पास मिला था, तब उन्होंने इस बात की अपनी बेटी हिरा साहब को आश्वासन दिया था कि मैं निकाह में जरूर आऊँगा। लेकिन साहबुद्दीन का मई में निधन हो गया, जिसके कारण वे इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। हिरा साहब और उनके शौहर दोनों MBBS डॉक्टर हैं। शादी समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री और विधायकों के भी शामिल होने की उम्मीद है। कई गणमान्य लोग शादी समारोह में आना शुरू कर दिए हैं।
शाहबुद्दीन साहब की लड़की की शादी है, हम लोगों के मित्र थे, हम लोग अपने लड़की की शादी समझ रहे हैं। कुछ बताते हैं। हम तो पहुंच गए हैं, आई परमात्मा राम पहुंच गए हैं, हरशंकर यादव भी पहुंच जाएंगे, हम पांडे जो है MLA वो पहुंच जाएंगे। अब कौन बाहर के आएगा वो तो हमारे पास कोई खबर नहीं है। अढ़ाई तीन बजे हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं, जो भी नेता आएंगे सबका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा और बरातियों का स्वागत करेंगे। देख ही रहे हैं कितना भयंकर व्यवस्था लोगों के स्वागत के लिए बना है। हम लोग यहाँ कोई गेस्ट होकर नहीं आए हैं, हम लोग स्वागत करता बन करके आए हैं। खुशी की बात है, डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब की बेटी की शादी है, बहुत दिन से तैयारियां चल रही है, तैयारी सभी पूरी हो चुकी है, हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं। बाकी सारे जितने लोग आएंगे हम लोग स्वागत करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे और शादी का जब तक चलेगा कार्यक्रम तब तक हम लोग रहेंगे और शादी का संपन्न हो जाने के बाद से सब लोग को हम लोग फिर धन्यवाद देंगे और फिर जाएंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।